नमस्कार, News4nation देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं रिचा शर्मा। बिहार में विधानसभा चुनाव की पूरी तैयारी हो गई है। अब सभी पार्टियों ने दमखम के साथ मैदान में उतरने की रणनीति भी बना ली है, लेकिन इसके साथ सीट शेयरिंग को लेकर मामला पेचीदा होते जा रहा है। चाहे एनडीए की बात करें या फिर महागठबंधन की, महागठबंधन में तो घटक दलों का की संख्या भी बढ़ती जा रही है, लेकिन रिमोट कंट्रोल तेजस्वी यादव के हाथ में ही है। तेजस्वी यादव अन्य घटक दलों को ऑफर दे रहे हैं, कई लोग उसको स्वीकार भी कर रहे हैं और कई लोग उस पर बहस भी कर रहे हैं। ऐसे में ये भी खबर है कि अंदरखानी सीट शेयरिंग का मसला सॉल्व करने की पूरी तैयारी की जा रही है, लेकिन अब भाकपा माले को तेजस्वी ने जो ऑफर दिया भाकपा माले की तरफ से उसे रिजेक्ट कर दिया गया। महागठबंधन में भाकपा माले के शामिल होने का मामला फंस गया है। पार्टी ने सीट शेयरिंग के राजद के प्रस्ताव को पूरी तरीके से नकार दिया। साथ ही पार्टी अपने आधार वाली सीटों पर अकेले लड़ने की तैयारी में जुट गई है। माले महासचिव दीपांकर भट्टाचार्य ने शुक्रवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा है कि उनकी पार्टी ने प्रस्ताव खारिज कर इसकी सूचना पत्र के माध्यम से राजद को दे दी। हालांकि गठबंधन को लेकर बातचीत अभी बंद नहीं हुई है, लेकिन अटक जरूर गई है। साल 2015 के चुनाव को आधार मानकर सीट का बंटवारा उन्हें कतई मंजूर नहीं है। उन्होंने कहा है कि उनकी पार्टी विधानसभा की लगभग 100 सीटों पर चुनाव लड़ती रही है, लेकिन गठबंधन में जाने के लिए हमने 53 सीटों की सूची राजद को दी थी। बाद में राजद ने जो प्रस्ताव दिया वो मंजूर नहीं है। उन्होंने राजद की ओर से दी जाने वाली सीटों का खुलासा नहीं किया, लेकिन इतना जरूर कहा कि राजद ने जिन सीटों पर चुनाव जीता है उनमें कई के विधायक दूसरे दलों में चले गए। निचले स्तर पर भी कार्यकर्ताओं ने दल बदले। पिछले विधानसभा में उनके साथ जदयू भी था, लिहाजा ना वो पहले वाले गठबंधन हैं और ना ही परिस्थिति। ऐसे में उस चुनाव को आधार मानना बिल्कुल भी सही नहीं है। भट्टाचार्य ने आगे कहा है कि यह चुनाव आंदोलन का रूप होगा। बेरोजगार और छात्र युवक सड़क पर उतर गए हैं। आरोप लगाया वर्तमान सरकार ने राज्य में शिक्षा व्यवस्था को चौपट कर दिया है। तो भाकपा माले की तरफ से तेजस्वी यादव के ऑफर को ठुकरा दिया गया है। हालांकि ये स्पष्ट नहीं हुआ है कि वो ऑफर क्या था। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव और उनकी पार्टी की तरफ से जो ऑफर दिया गया था उनमें कितनी सीटों पर चुनाव लड़ने की बात कही गई थी। हालांकि ये बिल्कुल स्पष्ट हो गया है कि तेजस्वी के ऑफर को भाकपा माले की तरफ से रिजेक्ट कर दिया है, जिसके बाद से तेजस्वी यादव की मुश्किलें ज़रूर ही बढ़ती गई। इससे पहले भी उन्होंने कांग्रेस को ऑफर दिया था। दो तरह के ऑफर दिए गए थे, जिसको कांग्रेस भी मानने से इनकार कर चुकी है। और अब भाकपा माले ने भी ये साफ तौर पे कह दिया है कि तेजस्वी यादव के ऑफर को वो नहीं मानेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही। बने रहे हमारे साथ और देखते रहे News4nation। नमस्कार।